एक फिशिंग मैन के जाल में एक लड़की फंस जाती है, और वह कहाँ से आई थी, कौन थी, और इसके बारे में किसी को पता नहीं था। हेलो फ्रेंड, आज हम ऑनलाइन 2019 रोमांटिक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाले। इस मूवी में काफ़ी कॉम्प्लिकेट और हो जाता है, और काफ़ी ट्विस्टेड मूवी, आपको अंत तक बेंच पे बैठे रहेंगे। ये मूवी काफ़ी ट्विस्टेड और सस्पेंस है। मूवी की शुरुआत में अपने मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है सर्कस, लेकिन सर्कस जिसको हम प्यार से सर्कस कहते हैं, और वह एक सर्कस में काम कर, इसलिए सर्कस वह अपना जाल फेंकता है, उसमें आज एक लड़की फंस जाती है और काफ़ी डर जाता है। देखता है कि लड़की अभी जिंदा है, और लड़की सोचती है कि मैं मर जाऊंगी, तभी वह उसे सहारा दे के उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, तुम बच जाओगी, जिंदा हो जाए, तभी उसे वह जिंदा करता है, और उसे कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाऊँगा, और वो लड़की मना करती, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी, और वो बात मानता नहीं सर्कस। तभी वह समुद्र में कूदने की कोशिश बार बार कर रही होती है बोट से, तभी वह मान जाता है। तब देखते हैं कि सर्कस कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरी मदर का रहने का एक जगह था जहाँ पे कोई नहीं रहता है, उसे सब सब कुछ बता देता है। तभी वह काफ़ी उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह सभी लोग के साथ नहीं रहने चाहती है। तभी वह वहाँ पे वह अपने मदर के हाउस पे ले जाता है, और बताता है कि यहाँ पे कोई नहीं, तुम अकेले रह, और लड़की हमेशा अकेले रहती थी, इसीलिए उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, और वह काफ़ी खुश रहती है सर्कस के साथ रह के। सर कहते हैं कि तुम क्यों इतना खुशी होते हो, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काफ़ी खुश रहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि अपनी बेटी को आज हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, आज काफ़ी लेट हो गया था, और वह हॉस्पिटल जाते समय अपनी बेटी को बताता है कि आज तुम काफ़ी अच्छे से, आज तुम्हारा, तभी वहाँ देखते हैं कि उसका डायबिटीज होता है, और वह आज डॉक्टर नहीं होते तब भी उसका डायबिटीज हो जाता है, और वह लड़की अपने फादर से कहती है कि फादर आप एक कहानी सुना दो। उसका फादर बताता है एक फिशेस मैन था, आज उसके फिशेस में एक लड़की फंस जाती है, और वह एक काफ़ी अच्छी लड़की होती है। और तभी हम देखते हैं कि इन फिशेस, इसका नाम है स्विमिंग, आज वह काफ़ी ज़्यादा अर्निंग। तभी देखते हैं कि उस कहानी पूरा ख़त्म नहीं करता है उसका फादर। तभी एनी एनी को आज एक न्यू बाइसिकल मिली हुई होती है, इसी के कारण वो काफ़ी खुश रहती। तभी देखते हैं कि उसकी एक्स वाइफ वाइफ मोरा जो है काफ़ी ज़्यादा चक्कर के चक्कर में फंसी रहती है, और वह काफ़ी, तभी हम देखते हैं कि एक आइलैंड पे, यहाँ पे देखते हैं कि ऑलिन आई हुई है, ऑलिन को सर्कस जो होता है वह लेके जाता है। सर्कस काफ़ी उसको पसंद कर रहा होता है, लेकिन वो कहता नहीं। तभी हम देखते हैं सर्कस आज बोट पे जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे वह यहाँ पे देखते हैं कि ऑलिन भी कहती है मैं भी बोट पे जाऊँगी। तभी सर्कस कहता है कि तुम बोट पे मत जाओ, तभी वह मान जाता है। तभी वह एक प्यारा सा गाना सुनाती है, और तब देखते हैं कि आज सर्कस के जाल में काफ़ी ज़्यादा मछलियां फंसती रहती हैं, और वह काफ़ी ज़्यादा मछली फंसाया जाता है, और तभी हम देखते हैं कि सर्कस काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग काफ़ी महंगी हुई मछली फंसा जाती है। उसे लगता है कि आज जादू ही हो गया, जो कि उसने कभी नहीं फंसी हुई होती है। सर्कस काफ़ी खुश होता है ऑर्लिन के ऊपर, ऑर्लिन ऑर्लिन गाना गाती है और सॉन्ग करती है, और आज आज काफ़ी ज़्यादा, तभी वह ऑलिन को कहता है मैं तुम्हें काफ़ी, तभी हम देखते हैं कि आज ऑलिन के लिए आज कपड़ा लेने, लेकिन वह कपड़ा के वार्नर के वाइफ के हिसाब से कपड़ा पूरा ले लेता है और क्लोथ, और आज ऑलिन को पहनाने के लिए ऑलिन, तभी हम देखते हैं कि उसे अपनी बेटी को एनी को बताता है कि सर्कस ने आज उससे उसके साथ एक सॉन्ग गाती है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फिश काफ़ी जाल में फंस जाती है। तभी हम देखते हैं ऑलिन के पास सर्कस आया हुआ है, और वह उससे काफ़ी इमोशन होता है, लेकिन वह बताता है कि मैं अब काफ़ी दिनों से पीना छोड़ दिया, क्योंकि मेरी बेटी की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एनी भी यहाँ पे आए, एनी एनी उस जो कहानी उसका फादर बताया उसके बारे में वह बात कर। तभी हम देखते हैं कि सर्कस
पीच के पास आया, उसे उससे बात करना चाहता है, क्योंकि पीच से बात नहीं करेगा तो वो किससे बात करे, काफ़ी डिप्रेशन में हो जाएगा। तो पीच को सारी बातें बता देता है ऑनियन के बारे में। ऑनियन के बारे में सुन के पीच कुछ कुछ बताता है, कहता है कि ठीक है तुम उसका ख्याल रखो, काफ़ी अमेजिंग है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एनी आई एनी समझ जाती क्या सोचती है कि ऑनियन एक अमेजिंग फिशिंग है और वह मुझे ठीक कर सकते हो। उससे कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ। तभी वह बताती है कि तुम्हारे पास ऐसा कोट है जिससे तुम मैं उसे दफन कर दूँगी, तुम 7 साल तक यहाँ पे आयरलैंड पे रहोगे। तभी वह उसको कुछ बोलने भी नहीं देती है, फटाफट अपने ही बोलती रहती है और वह कहती है कि तुम 7 साल यहाँ पे रहोगे। तभी यहाँ देखते हैं कि ऑनिन चली जाती है, ऑनिन चली जाती है और कहती है कि हाँ मैं तुम्हें अमेजिंग। लेकिन यहाँ देखते हैं कि सर्कस आया हुआ अपने लिए। तभी हम देखते हैं कि उसकी न्यू बाइसाइकिल देख के उसके फ्रेंड काफ़ी जलते हैं और उसकी बाइसाइकिल को पानी में ढकेल देते हैं। इससे एनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एनी इससे कोई घबराती भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि सर्कस अपनी बेटी को बताता है कि तभी हम देखते हैं कि एक स्ट्रेंजर आया हुआ जो कि ऑनिंग की हस्बैंड था, ऑनिंग के हस्बैंड था। तभी हम देखते हैं कि आज एक और सॉन्ग सुनाती है। तभी सर्कस के जाल में काफ़ी ज़्यादा मछली फंस जाती है, सर्कस आज काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी हम देखते हैं ऑनिंग को देखने के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं और ऑनिंग छुप जाती है, सर्कस से पूछता है तुम्हारे मछली काफ़ी ज़्यादा। तभी वो लोग मछली चेकिंग करने के लिए जाते हैं, जाल निकालते हैं। तभी देखते हैं कि ऑनिंग वहाँ पर फिशिंग फंसी हुई है और वह तभी उन लोग से पूछता लड़की को लाना कोई बेड लक तो नहीं है। तभी वह लोग बताते हैं कि कोई बेड लक नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं और वह सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखते हैं कि कपड़े लेने के लिए वो लोग बाहर आए हुए हैं। और तभी हम देखते हैं कि ऑनिंग आजकल बाहर रहने लगती है और वह सर्कस के साथ घूमती। तभी वहाँ पे एनी मिलती है, एनी काफ़ी बताता है कि तभी एनी कहती है